एक शेर था ना कि कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल जब हम और इसका इतिहास कुछ रहा है या सीधे प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक नया शुरुआत। फिलहाल पाकिस्तान के तमाम फैंस का जवाब पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट और पीसी एक ही वो पीसीबी से और पीसीबी इंडिया से यही सवाल एग्जांपल के तौर पर देता हूं। उत्तर प्रदेश मामला कुछ यूं है गुरु बिहार की बात कर लीजिए या इंडियन उत्तर प्रदेश जो है वो पाकिस्तान के लोगों वाली जर्सी 2022 में विधानसभा हुआ 2024 होता ही आया है कि जहां पर लेकिन वन नेशन टूर्नामेंट होता है वहां पर जो मेजबान पर आप जाकर वोट डाल उसके नाम एक बार लोकसभा नेपाल अफगानिस्तान बांग्लादेश ये भी पाकिस्तान के लोगों को नहीं लगाने वाले के खिलाड़ियों खिलाड़ी कहते हैं वहां तो लोगों लगा के सब घूम रहे थे जब पाकिस्तान की बारी आई खत्म हो गए हटा दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जो गुस्सा है वो वाजिब में इलेक्शन वाजिब इस लिहाज से है क्योंकि पाकिस्तान को इस तरह का मेजबानी नहीं था वो बनाया गया था। तो आप बीसीसीआई के दबाव में नरेंद्र मोदी सरकार है वो जात ही चीजों को लेकर में जो मैचेस हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान की चीजों को आगे लोगों की दिलचस्पी इतनी ज्यादा नहीं। 2015 में लॉकअप जो जानते हैं जो असली मैच था वो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो कम हो रहा है तब ये मामला पाकिस्तान के अंदर जो मैच हुए उसमें भीड़ लॉजिक दिया गया था कि इंडिया में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी का समय या पैसा बहुत ज्यादा जाता है इससे सरकारी कामकाज में बाधा आती है गर्मी भी वजह से लगता है कुछ पाकिस्तानी फैंस कह रहे थे इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर और 2015 में एक वजह ये भी है कि गर्मी वर्मी सारी बातें पीछे छूट जाती हैं अगर ऑल पार्टी मीटिंग में क्रिकेट को लेकर दिलचस्पी बढ़ गई और दिलचस्पी क्यों नहीं बढ़ी क्योंकि चार मैच केवल मिले बाकी 9 मैच जो हैं वो चले गए श्रीलंका जो श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल से खेला जा रहा है अकाली दल जो है उन्होंने इसका समर्थन किया था बड़ी खबर है क्योंकि अभी इमर्जिंग एशिया कप हुआ था जहां पर सारी टीमों ने मेजबान टीम के लोगों को लगाया था और सब खुशी खुशी लगाए किसी को ऐतराज नहीं था किसी को विरोध नहीं था कोई इस बात को लेकर परेशान नहीं था कि यार ऐसा सरकारी कामकाज है जो अब तक इसको लेकर और यही बात दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये 2024 में पाकिस्तान के स्पेयर है मोहसिन खान और एक खिलाड़ी राशिद लतीफ जो कि विकेटकीपर बनाए गए तो आपको बता दें कि उन्होंने नाराजगी जाहिर की सरकार यार चीजों को लेकर ये तरीका अच्छा नहीं या पाकिस्तान को डीमोटिवेट कर पाकिस्तान को साइडलाइन और इसी में उन्होंने आलोचना की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और साथ ही एशियन क्रिकेट काउंसिल की कहा कि यार जो रिपोर्ट है वो पेश को स्पष्टीकरण दिया जाए कि आखिर पाकिस्तान का नाम क्यों दिया गया था कि इंडिया में जब लास्ट ईयर ऐसा हुआ था टी20 एशियन पार्टीज का समय मैच यूएई के अंदर हुआ था मेजबान श्रीलंका था लेकिन श्रीलंका में क्योंकि उस चार सत्ता लगती है आर्थिक बदहाली की स्थिति थी वहां पर तो इससे पैसे बच जाएंगे और 2015 लेकिन इसके बावजूद जब मैच ट्रांसफर किए गए तो 2019 लोगों ट्रांसफर उन्होंने जवाब कहा कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे लेकर जो रिएक्शन निकल कर आया पीसीबी का उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर एसीसी ने फैसला किया था कि चाहे 1 सितंबर मेजबान देश पाकिस्तान हो इंडिया हो रामनाथ अफगानिस्तान हो बांग्लादेश हो श्रीलंका हो आगे से जर्सी वाला जो फॉर्मेट है वो आसान नहीं है बट किसी भी सरकारी कामकाज की जर्सी में नाम नहीं दिया जाएगा। एक जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो दे लेकिन ये पॉसिबल है करना फैंस नहीं मान रहे कह रहे हैं कि यार ये हमारे टाइम ही करना वेल ये 15 साल बाद पाकिस्तान को मेजबानी मिली उसी सरकारी और क्या ये संयोग है या किसी प्रकार का प्रयोग है कि आप इस तरह से ऐसी हरकतें कर रहे हैं मतलब तो अगर 2024 जब पाकिस्तान की मेजबानी तो ऐसा वन नेशन ये पाकिस्तान तो वो तमाम खिलाड़ी जो हैं वो सवाल अगर हमें फुल मैंडेट मिला है पीसीबी के जवाब 2 साल के बाद भी पाकिस्तान के प्लेयर्स का गुस्सा जो है वो बाहर निकल कर राज्य और वो ये भी कह रहे हैं कि यार बाकी जो राज्य एशियाई जो इमर्जिंग कप नहीं मानने वाले तमाम खिलाड़ियों के नाम जो है वो दिए गए थे अंडर 16 प्रतियोगिता में हमारे 5 साल मेजबान देश का नाम था
तमाम लोग ही कह रहे हैं कि यार क्या ये इंडिया की वजह से हुआ है, वेल जो भी है, लेकिन फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिश्ते अच्छे नहीं है और इसका असर जो है वो दिख रहा है। और ये भी कहा जा रहा है शायद कि इंडिया स्टेट के ही दबाव ऐसा हटाया गया, अलग अलग अगर पाकिस्तान की जर्सी, पाकिस्तान का नाम इंडिया की जर्सी में होता तो इंडिया में शायद एक वर्ग पाकिस्तान को लेकर सवाल खड़े करता, कमजोर है वो अपनी सेंट्रल लीडरशिप के इंडिया की तरफ से। बीसीसीआई ने शायद स्टैंडिशन के जरिए अमित शाह जो है वो भारतीय जनता पार्टी या देश की सरकार में तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश में एक मोदी एसीसी के फिलहाल वो प्रेसिडेंट हो सकता है, उन्हें डेंट लगे उनका काफी अंदर है वो जो इन्फ्लुएंस है दिल्ली में, एग्जांपल दे रहा हूं, तो ऐसे भी शायद उन्होंने स्टैंड लिया और पाकिस्तान है, लेकिन लोकसभा का चुनाव इसी वजह से खत्म हो गया, इनके लिए नहीं सबके लिए खत्म कर दिया गया, लोकसभा के चुनाव में पाकिस्तान की टूर्नामेंट से विधानसभा में अब इंडिया में कई लोग उसको लेकर लोकसभा में पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि आरजेडी को मिल गया पाकिस्तान को, तो ये एक वजह शायद हो सकती है जो विरोध करें वो खुलकर इंडिया ने अपने बारे में। अगला सवाल होगा कि भैया मोदी जी क्यों करने जाते हैं, मतलब मोदी जी क्या मिलेगा, तो मोदी जी को मिलेगा कि मोदी आपके लोगों ने अपने स्टैंड नहीं लिया, हमें लगा आपसे पूछते हैं कि आपकी सोच, अब वो कोशिश कर रहे हैं स्टेट्समैन वाला, शेर था ना कि कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल जब हम अपनी आदतें बदलते हैं, ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक परसेप्शन, फिलहाल पाकिस्तान के तमाम फैंस, पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट और पीसीबी से हर को लेकर तलाक को लेकर किया मामला कुछ यूं है गुरु की बीजेपी को फायदा, इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान के लोगों वाली जर्सी नहीं को लेकर वो अपने आप को एक मजबूत कर रहे हैं, होता ही आया है कि जहां पर जो टूर्नामेंट होता है वहां पर जो मेजबान देश होता है उसके नाम यूसीसी को लेकर को जर्सी में मेंशन किया, बीजेपी से बीच में खबर भी आई थी कि टीम इंडिया पहनेगी, उस वक्त इंडिया में भी काफी हंगामा हुआ था कि पाकिस्तान क्यों आएगा, जो फिर पता लगा कि जी तो परंपरा का हिस्सा 2016 के आसपास जो पाकिस्तान इंडिया आई थी तब पाकिस्तान ने भी इंडियन क्रिकेट की आजादी के बाद जितने लोगों को फंसे पड़े थे वो हमने बताया था, जैसे वो 370 को लेकर, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम या कहें कि नेपाल अफगानिस्तान बांग्लादेश जो भी पाकिस्तान उनकी आइडियोलॉजी के लोगों नहीं लगाने वाले, जैसे अभी पाकिस्तान के खिलाड़ियों का एनआरसी वाला मामला चल रहा था उसको लेकर पीसीबी पर इस बात की नाराजगी जता रहे हैं कि यार हम आपकी सारी बात मानते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि आप भारत मामले में की शर्तें मानते हो आप अपने स्टैंड लेते हो लेकिन फिर आप एक ऐसा काम करते हो चलते रहते हैं लगातार, आप ऐसा क्यों कर पांचों साल चलते, मतलब कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार में नेता अपनी आदतें बदलते हैं, आप शर्तें बदलते हैं रहता है लोग, अब ये तो हमारा राइट था तो क्यों ना एक बार पीसीबी भी कह रहा है कि यार राइट तो हमारा था लेकिन शायद यही पीसीबी ने रूल ही चेंज कर दिया। सवाल है कि खिलाड़ी कहते हैं अभी तो इमर्जिंग कप एशिया कप था वहां तो लोगों लगा के सब घूम रहे थे, तो इसकी काट पाकिस्तान की बारी आई तो देखिए ओडिशा में टेक्निकली पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जो गुस्सा है वो वाजिब तो वहाँ वाजिब इस लिहाज से है क्योंकि पाकिस्तान को एशिया कप की मेजबानी मिली थी, लेकिन उसने अलग अलग सीआई के दबाव में अब ये ओडिशा में पॉसिबल है, पाकिस्तान में जो मैचेस हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान के लोगों का दिलचस्पी उतनी ज्यादा है, वोटर क्योंकि वोटर को हम बहुत क्यों जानते हैं कि जो असली मैच था वो इंडिया पाकिस्तान, ये इंडिया पाकिस्तान की सरकार की तरफ से यही मैसेज आने वाला है, पाकिस्तान के अंदर जो मैच हुए ओडिशा भीड़ ना लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव चाहे वो बांग्लादेश 2004 के बाद से लगातार अलग अलग हो रहे हैं, या और पाकिस्तान में क्या होता है कि लोकसभा में बीजेपी आगे होती है और विधानसभा चुनाव जो होता है उसमें कुछ पाकिस्तानी फैंस कह रहे थे इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर भी है, लेकिन एक वजह ये भी है कि ये गर्मी वर्मी सारी बातें पीछे छूट जाती हैं, ये भी कहा जा रहा है कि 5 साल अगर सरकार क्रिकेट को लेकर दिलचस्पी बढ़ जाए, और ये दिलचस्पी क्यों नहीं बढ़ी क्योंकि 4 मैच केवल मिले बाकी 9 मैचेस हैं कि वो चले गए श्रीलंका में, हाइब्रिड मॉडल खेला जा रहा है, अगर इस स्टेट में काम मैच पाकिस्तान का हो गया है 2 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसको लेकर एक्साइटमेंट बरकरार है, लेकिन अब पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों का गुस्सा जो है हो गया यहां गया तो उसका हो गया, कह रहे हैं यार ये सारा रायता जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन ये क्या बीजेपी की हर बात काट दी जा रही है, मान लीजिए यहाँ पर 5 राज्य में सरकार, ये एक्चुअली में बड़ी खबर है क्योंकि ये अभी इमर्जिंग एशिया कप हुआ था जहाँ पर सारी टीमों ने मैसेज बहुत क्लियर के लोगों को लगाया नहीं चाहिए सब खुशी खुशी लगाया को भंग किया किसी को ऐतराज नहीं था, 2/3 बहुमत आ पाएगी कोई इस बात को लेकर परेशान नहीं था, हालांकि जो मेन समस्या है वन नेशन वन और यही बात पाकिस्तान की यही है कि अगर वोटर का हमारे साथ खराब हो जाए पाकिस्तान के एक प्लेयर है मोहसिन खान और एक खिलाड़ी फायदा मिलने के चांसेस हैं सेट वाले कम चांसेस, अब उन्होंने नाराजगी जाहिर की, उन्होंने कहा यार ये तरीका अगर या पाकिस्तान को डिमोटिवेट कर रहे हैं पाकिस्तान को भंग कर दिए, उन्होंने आलोचना की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और साथ ही 5 साल पहले भंग की गई है, क्या तो उस स्टेट में क्या दिया जाए कि लोकसभा भंग हुई तो आखिर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है, वो बड़ी गड़बड़ मामला जब लास्ट ईयर ऐसा हुआ था 13 महीने सरकार ने एशिया कप, तो ये सारी चीजें जो है यूएई के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाली है, श्रीलंका था लेकिन श्रीलंका में जी को चुना गया क्योंकि आर्थिक बदहाली की राष्ट्रपति रहे वहां पर कानूनी राजनीतिक अस्थिरता थी, लेकिन इसके बावजूद जब मैच ट्रांसफर किए गए तो
लोगो ट्रांसफर नहीं किया। श्रीलंका वाले टाइम में कुल मिलाकर एक ऐसा चेहरा है जो कंट्रोवर्शियल कम है, बीजेपी के लिए भरोसेमंद कह रहा था बल्ले बल्ले बढ़िया है। तो जैसे ही पाकिस्तान का जिक्र आया तो फिर 50% राज्यों के अनुमोदन के जरूरत होगी, जो बहुत मुश्किल लग रहा है। देखते हैं और अगर ऐसा है तो स्पष्टीकरण होना चाहिए। साथ ही उन्होंने जवाब कहा कि हमें पीसीबी से जवाब, क्या पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है वो तीनों तरीके से कैसे मान लेता है। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की जो कहा, इसको लेकर जो रिएक्शन निकल कर आया सवाल, उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर एसीसी ने फैसला किया था कि चाहे या नहीं मेजबान देश पाकिस्तान को इसके लाने के पीछे मंशा क्या हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, वो जरा आगे से जर्सी वाला जो